अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं असद मुनीर और आप देख रहे हैं असद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो जो है वो ख़ास तौर पर मैं गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसमें मैं कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके इर्द गिर्द या आप इस चीज़ के हकदार हैं, तो आपने कैसे यहाँ से अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये रजिस्ट्रेशन जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसों के लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे हैं वो कैसे आप भी वसूल कर सकते हैं। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी वेरिफिकेशन करवाई हुई है, कईयों ने कार्ड बनवाए हैं, कई ने वेरिफिकेशन करवाई है, और कई लोग हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो वो लोग जिन्होंने अभी तक इसके ज़रिए कोई फ़ायदा नहीं उठाया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसों से फ़ायदा नहीं उठाया, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों, आपने वीडियो को देखते रहना है, मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल असद ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, इस पर कर दें प्रेस, और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, इस पे आपने करना है प्रेस। यहाँ इस पे दबाएंगे तो इसको कर देना है आपने ऑल पे। ऑल पे जैसे ही करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि इस तरह की जैसी कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं आपको हर बात ही मेरी जो होगी आज की वो इम्पोर्टेंट होगी, तो आपने वीडियो को पूरा देखते रहना है। तो समझ लेना है कि आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। अगर आप थंब वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवानी है, तो यहाँ पे मैं बातें कम करता हूँ, साथ साथ थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने सर्च बार में लिखना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे पहले मैंने सर्च करके रखा हुआ है, तो अगर आप BISP ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ वेबसाइट को। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ आपने ऊपर कोई पंगा नहीं लेना। यहाँ पे नीचे आप थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफिशियली वेबसाइट मिलती है इनकी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम .gov.pk, कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन ये वेबसाइट है, इसको आपने कर लेना है ओपन। तो यहाँ से मैं इस पर करता हूँ क्लिक, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चले जाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बता देता हूँ, यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन कैसे अपनी करवानी है, कैसे आप जो है इसके मुस्तहिक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा काम तभी करें अगर आप इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, ताकि जो इस चीज़ के हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, वो इस चीज़ से महरूम ना रह जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आपने पूरा देखते रहना, यहाँ पर मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के तरीकाकार बताऊँगा, मुख्तलिफ़ किस्म की आपको बातें यहाँ को मैं आपको बताऊंगा आपकी हेल्प के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हाल ही में जो है 2020 का जो सर्वे शुरू हो चुका है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से, तो यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे सबसे पहला तो जो है, तो ये जो आप देख सकते हैं मैसेज, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक कमाल की बात है भाई, आपको बहुत ज़्यादा मैसेज होंगे वो मोबाइल पर वसूल होते रहते हैं कि भाई आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से इतने रुपए निकल आए हैं, आपकी बाइक निकल आई है, ये निकल आई है। तो यहाँ पे इन्होंने वाजिया करके बता दिया, खबरदार कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से वसूल होने वाला इनामी रकम का पैगाम जाली और फ्रॉड है। इस पैगाम के तहत आप किसी इनाम रकम के हकदार नहीं हैं। बराए मेहरबानी आप इस पैगाम में दिए गए किसी भी नंबर पर हरगज़ रब्ता ना करें। ऐसा कोई भी जाली पैगाम वसूल होने की सूरत में टॉल फ्री नंबर पर रिपोर्ट करें। वसूल शुदा जाली पैगाम को इस नंबर पर भेज दें, ठीक है। अगर आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं तो वो आप यहाँ पर फॉरवर्ड मैसेज कर सकते हैं। तो ये उन्होंने वाजिया कह दिया कि ये सब फेक खबरें होती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रोग्राम के जो है मेंबर बन सकते हैं, कैसे आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे हासिल कर सकते हैं। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, यहाँ पे मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के तरीकाकार बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर एक मज़े की बात ये भी है उन लोगों के लिए जो यहाँ से पैसे वसूल कर रहे हैं, तो नीचे जाके मैं उनके लिए जो है मज़े की बात बता देता हूँ कि जो लोग पहले से इस पे रजिस्टर्ड हैं और यहाँ से पैसे वसूल कर रहे हैं, उनको हुकूमत की तरफ से जो है, बल्कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से जो है, 1,000 रुपये की खसूसी इमदाद जो है वो उनकी पहले जो उनको वसूल हो रही है रकम, उसके अलावा 1,000 रुपये की खसूसी इमदाद भी की जा रही है। यहाँ पे मैं पिक्चर पे आपको
क्लिक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उनको 1,000 रुपये का जो है खसूसी इमदाद मज़ीद की जा रही है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, उन्होंने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से BSP रजिस्टर्ड खवातीन को जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, लेकिन नया तरीकाकार बताने वाला हूँ आपको कि आपने इस पर रजिस्टर कैसे करना है। इंशाल्लाह आपको भी ये 1,000 रुपये की खसूसी इमदाद भी दी जाएगी और माहाना जो इनकी रकम होती है इमदाद की वो भी आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, आपने वीडियो को देखते रहना, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट में आपको एक बहुत ही कमाल की बात बतानी है, वो भी आपने सुन के जाना है। ठीक है, तो ये रकम 4 माह 6 माह 1 साल के अलावा है और सिर्फ इस्तीफा अदा की जाएगी। रकम वसूल के वक्त, यानी कि आपने जब रकम लेने जाना है तो उस वक्त जो है आपके पास आपका कौमी शनाख्ती कार्ड हमारा रखें, पहले से एहतियात करदा तरीके में अपनी रकम वसूल करें। ठीक है, आपकी रकम से बैंक एजेंट या दुकानदार किसी किस्म की कटौती नहीं कर सकता। तो भाई आपके जो पैसे इनकम सपोर्ट जो ले रहे हैं, ये उनको बता रहा हूँ कि इधर उन्होंने वाजिया यानी कि हुकूमत की तरफ से भी पैगाम है और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कह दिया गया है कि जो आप रकम लेने जाते हैं, बेशक वो आप किसी रिटेलर दुकान से लेने जाते हैं या फिर वो आप किसी बैंक से लेने जाते हैं, तो वो आपकी कटौती उन पैसों में से नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक तरीका ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पर बताना चाहता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ये उनका टॉल फ्री नंबर है हेडक्वार्टर ऑफिस का, तो इस पे आप रब्ता करें, यहाँ पे उनको कॉल करके अपना सारा डिटेल दें कि भाई हम इस चीज़ के मुस्तहिक हैं और अभी तक हमें जो है इस जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो है वो रजिस्टर नहीं किया गया, तो लिहाजा हमें रजिस्टर किया जाए, इस चीज़ की जो है हमें पैसे दिए जाएँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के। तो उसके अलावा यहाँ पे आप उनकी ऑफिशियली वेबसाइट जो है यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की आपको न्यूज़ वगैरह जो दी जाती हैं, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तरीकाकार मैंने आपको बताया है। एक, अगर आप यहाँ पे उनको कॉल करते हैं उनके इस नंबर पर, ये मैं नंबर आपको वाजे करके दिखा देता हूँ कि इस नंबर पर आपने कॉल करनी है। ठीक है, उनको आपने कहना है भाई हमारा कोई भी फ़र्द जो है वो कमाने वाला नहीं है, मसाले के उन लोगों के लिए जो इस चीज़ के हकदार हैं। ठीक है, ये वही कोशिश करें जो इस चीज़ के हकदार हैं, ताकि जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं उनका हक किसी ज़ाया ना हो। तो आपने यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करनी है। ठीक है, मुकम्मल एड्रेस वगैरह भी दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैं आप एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि आज जो 2020 में जो है इनका नया जो है तरीकाकार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो पैसे देने का, वो ये है कि पहले क्या होता था, बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया हुआ था लेकिन वो इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं थे, तो इनकी दोबारा सर्वे होने के बाद जो पहले कार्ड वाले थे उनका जब दोबारा उन्होंने डाटा वगैरह लिया तो पता चला कि भाई ये इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं है, तो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, ये काम ऐसे कर रहे हैं कि इनका जो है UBL जो बैंक है उनके साथ ये मुंसलिक हैं, उनके साथ ये लिंक हैं। ठीक है, उनके साथ यहाँ अगर आपके इनके जो ज़्यादातर पैसे होते हैं ये UBL के थ्रू ही इवाम ले सकती है। ठीक है, और अब यह तरीकाकार वेरिफिकेशन का ये है कि यहाँ पे अब इन्होंने तरीकाकार थंब वेरिफिकेशन का कर दिया है, तो यहाँ पे अब पैसे लेना और भी आसान हो गया। और इसका तरीकाकार ये है कि जो मुस्तहिक लोग होंगे वही थंब वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपकी जो ID कार्ड है अगर उस पर 5 सिमें हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो अब सिम्स का है ना वेरीफाई अगर आप करवा सकते हैं अपने थंब पर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 हैं। अगर आपकी 5 सिमें हैं आपके नाम पर तो आप इस चीज़ के लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये थंब वेरिफिकेशन का आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी सिम पर जो है पैसे मंगवाना चाहते हैं बेनज़ीर की तरफ से, वो तरीकाकार क्या है, आपने अपने मुतलका ज़िला के किसी भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर चले जाना है, लेकिन जाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ तभी आप जाने का फ़ायदा है अगर आपके नाम पर सिमें कितनी हैं, 4। अगर 4 सिमें आपके नाम पर हैं तो फिर आप जाएं, आप बताएं कि भाई हमारे नाम पर 4 सिमें, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि आपके नाम पर कितने सिम है, क्योंकि अब थंब वेरिफिकेशन का सिस्टम आ गया, अब अंगूठा लगाएंगे आपके सिम में पैसे आएंगे, अंगूठा लगाएंगे आप पैसे निकलवा लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा, जो न्यू यूज़र हैं और पुराने यूज़र हैं उनका भी थंब वेरिफिकेशन कर दिया गया है। ठीक है,
तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आप डायरेक्टली आपको लाइन वगैरह में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सिंपली आपने किसी भी इजी पैसा जायज़ कैश रिटेलर दुकान पर चले जाना है, अपना अंगूठा लगाना है, उनको मैसेज दिखाना है, अंगूठा लगा के पैसे निकलवा लेने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना ये चेक कर लें कि कहीं आपके नाम पर 5 सिम है तो नहीं है, ठीक है। अगर 5 सिम है तो आपने क्या करना है, एक सिम को कैंसिल करवाना है, उसे ख़त्म करवाना है और फिर दोबारा वहाँ पे जाना है। वो एक न्यू सिम देते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से, ठीक है, उस पे पैसे भेजते हैं। ये आपकी पिछली जो आपके अकाउंट वगैरह आप कहें कि उस पे क्यों नहीं भेजते, भाई उस पे नहीं भेजते, ये अपनी एक सिम बनाते हैं, या ऐसे ही समझ लें कि एक सिम कार्ड होता है, उसमें आपके पैसे होते हैं, वो आपके मोबाइल में होता है, वहाँ पे आपको अलर्ट मैसेज दे दिया जाता है कि इतने पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से जो है आपके अकाउंट में आपकी सिम में डाल दिए गए हैं, अपना अंगूठा लगा के वहाँ से निकलवा लें। तो पहली सिमें जो हैं आपकी इजी है, यहाँ टेलीनार जैज़ ये वो, यहाँ पर आपको मुतलका दूसरे बहुत मैसेजेस आते रहते हैं फेक, इसलिए इन्होंने अपनी एक सिम कार्ड मुतारफ़ करवा लिया है। तो वहाँ से आप जो है ये आप अपने मुतलका किसी भी हर ज़िले में तकरीबन ये है, ठीक है, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ पर ये सहूलत अभी तक नहीं पहुँची, वहाँ पर ये टेलीकम्युनिकेशन बहुत कम है टेलीकम्युनिकेशन, इसलिए यहाँ पे ये सर्विस नहीं है। उनको वैसे पोस्ट के ज़रिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पंजाब वगैरह में तो सिंध वगैरह में जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, इसलिए यहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेना बहुत ही आसान हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कैसे ऑनलाइन करना है। उसके बाद आपने थंब वेरिफिकेशन कराने के लिए आपके पास जो है 4 सिमें होनी चाहिए, 5 सिमों वाला बंदा जो है वो नहीं करवा सकता, तो 4 सिमें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ कि आपने जो है पेपर वेरिफिकेशन कैसे करवानी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। तो पेपर वेरिफिकेशन कराने के लिए जो है ना आपको मैं वेबसाइट पेपर जो होते हैं ना जो आपने प्रिंट निकलवाने हैं उनकी जो है प्रिंट जो है वो मैं आपको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन का आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप मेरी वीडियो, अगर आप ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो ये नीचे वीडियो का टाइटल है, इस टाइटल पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे यहाँ पर लिंक लिखा हुआ है, जहाँ इधर लिखा होगा डाउनलोड पेपर, ठीक है। तो ये PDF फाइल होगी पेपर्स की, वो आप यहाँ लिंक पर आके डाउनलोड कर लें, उन पेपर्स का प्रिंट निकलवा लें, और उन पेपर्स का प्रिंट कैसा होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास पेपर कुछ इस तरह से होंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर पेपर की तरह पेपर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से डेटा रिक्वेस्ट फॉर्म होगा, ये आपने फॉर्म बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, ये देखें ये मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बिल्कुल 100% अच्छी क्वालिटी के पेपर जो है मेरी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप जैसे ही इधर जाएंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जैसे ही वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे नीचे आपके सामने डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, आपने जाना है डाउनलोड, इधर लिखा हुआ है एप्लीकेशन लिंक जो मैं ये वीडियो डालूंगा उसका जो लिखा होगा डाउनलोड पेपर लिंक, तो आपने ब्लू वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लू वाले लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आपने कर जो है वहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में कर लेने हैं, मोबाइल में जैसे ही आपके डाउनलोड हो जाएंगे आपने किसी भी जो है फोटोशॉप पे चला जाना है, उसको कहना है भाई इस फॉर्म का जो है मुझे प्रिंट निकाल दो। तो ये एक नहीं बल्कि दो फॉर्म है, ठीक है, ये दूसरा फॉर्म है, यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है वहाँ से ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करने हैं ताकि आपको फोटो कापी निकलवाने में कोई मसला पेश ना आए, क्योंकि ये धुंधले होते हैं, ये देखें यहाँ पर आपके सामने जो लफ्ज़ हैं ये अच्छी तरह शो नहीं होंगे। तो आपने वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट में जाकर इन पेपर, दो पेपर हैं इनको आपने कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको मैं यहाँ पे तरीका बता देता हूँ, आपके पास पेपर आ जाएंगे, आप वहाँ से मेरी वेबसाइट से इनको डाउनलोड कर लेंगे। तो उनके बाद आपने यहाँ पे डाटा क्या क्या देना है, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं मेरी बात की आपको समझ नहीं आ रही तो आप किसी भी अपने पढ़े लिखे दोस्त अहबाब से जो है पूछ सकते हैं, रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं, भाई इधर मैंने क्या क्या लिखना है वो आपने फिल करवा लेना है। मज़ीद मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, इंशाल्लाह मेरी बात की भी आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखें कुछ इस तरह से आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का फॉर्म आ जाएगा, ये 2000
2020 का नया तरीकाकार है पेपर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो इस पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है बेनजीर इनकम सपोर्ट डाटा रिक्वेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए जो रिक्वेस्ट भेजनी है उसका ये फॉर्म है। तो ये एड्रेस जो है, ये एड्रेस आपने बिल्कुल जो है VIP करके अच्छा करके प्रॉपर लिखना है, ठीक है। वो कैसे लिखना है वो बाद में लिखना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना आईडी कार्ड हाथ में पकड़ लेना है। आईडी कार्ड पकड़ने के बाद यहाँ पे आपने जो आईडी कार्ड पे ओरिजिनली स्पेलिंग लिखे हुए हैं वो वाले स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी इदारे वगैरह से पढ़े हैं या किसी इदारे में काम करते हैं तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर मेलिंग एड्रेस, जो आपका मेल एड्रेस है, आप यानी कि आपके आईडी पर जो एड्रेस है वो आपने दे देना है। आपने यहाँ पे मेलिंग एड्रेस नहीं लिखना, आपके जो ऑफिशियली वहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस, मुस्तकिल पता जो लिखा होता है आपके आईडी कार्ड के पीछे, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास 24 घंटे ऑन रहता है वो वाला मोबाइल आप नंबर यहाँ पे आपने दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस का पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना कोई भी ईमेल एड्रेस दे देना है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपने वही वाला आईडी कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पे दे देना है, ठीक है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे भी आपसे मोबाइल नंबर पूछा गया। दो मोबाइल नंबर इसलिए पूछे गए हैं कि एक मोबाइल नंबर आपको अगर वो कॉल करते हैं कि भाई आपकी रिक्वेस्ट जो है वो जो है अप्रूव्ड हो गई है, तो वो अगर आपका नंबर बंद होगा तो वो दूसरे पे ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तीसरे पे अगर आपका मेल वगैरह है तो वहाँ पर आप नेट चलाते हैं तो मेल कर देंगे। तो ये तरीकाकार इसलिए इन्होंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने लीगल स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑफिस रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपने अपना कोई भी वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है वो लिख देना है। आपने किसी इदारे वगैरह में काम करते हैं नहीं करते तो वहाँ पे आपने नन लिख देना है, ठीक है। जिस चीज़ का आपको नहीं पता या आप कोई काम नहीं करते वहाँ पर आपने नन लिख देना है, NONA, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रपोज ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपने सिर्फ टिक वगैरह करने हैं, ठीक है, और आपने ऑप्शन वगैरह देने हैं। यहाँ से वो आपको सारा कुछ पूछते हैं, तो यहाँ पे आपने सिर्फ टिक वगैरह लगाने हैं, आपका सारा वो डाटा वगैरह पूछते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जब प्रॉपरली फॉर्म आ जाएगा तो वो आपने फिल करना है। फिल करने के बाद ये एक फॉर्म आप जब फिल कर लेंगे, ठीक है, तो दूसरा फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ पे भी आपने टिक मार करनी है। तो ये देखें, ये आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होंगे आप टिक लगाएं या ना लगाएं। तो आपके पास जो चीज़ हो, यानी कि आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की ये आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। वो इंफॉर्मेशन मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे ये पूछेंगे। ये आपसे पूछेंगे कि आपका घर है, आपके घर में कितने मकान हैं, ठीक है। उसके बाद आपके घर के फ़र्द कितने हैं, वो आपने ऑब्जेक्टिवली आप यहाँ पे टिक मार कर सकते हैं। नीचे आपको जहाँ पे जगह दी गई है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आपने अगर आप हकदार होंगे, मुस्तक होंगे, तो भाई आप यहाँ पे 100% जो है वो दे सकेंगे आंसर्स वगैरह। तो वैसे भी यार ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए जो इस चीज़ के मुस्तक हैं, उन्हीं को इससे फ़ायदा उठाने दें। अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो अपने इर्द गिर्द जो आपके जो ऐसे लोग हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ, आपने उनको फ़ायदा पहुँचवाना है। ये फार्म आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, मेरी वेबसाइट से जाके, और ऐसे लोग ढूँढने हैं यार जो इस चीज़ के मुस्तक हैं, ठीक है, वो ढूंढ के आपने उनके फॉर्म की जो है आईडी कार्ड उनसे ले लेने हैं, ठीक है। और उनके फॉर्म जो है ये कंप्लीट करके मैं आपको बता रहा हूँ इस एड्रेस पे आपने भेज देने हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस एड्रेस पर भेजेंगे, आप वहाँ पे जो भी ईमेल देंगे, जो भी आप वहाँ पे नंबर देंगे, तो फिर आपको उस नंबर पर कॉल की जाएगी, आपको बुलाया जाएगा, आपसे फर्दर जो है वो जो इंफॉर्मेशन लेंगे। इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो आपको आपका सिम कार्ड बना देंगे या फिर वो थंब वेरिफिकेशन जो है उस पर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से जो है वो एक मेंबर बना लेंगे। तो आपका जो मंथली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से जो मिलते हैं पैसे, जो इमदाद मिलती है, वो आपकी जारी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की थी ये वीडियो, मैंने यहाँ पे आपको 3 तरीक़ेकार बताए। मैंने आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के बारे में बताया, यहाँ पर आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ पर उनका नंबर बताया कि आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद इस वेबसाइट पर आके यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो तरीकाकार बताया, यही है कि यहाँ पे आप कॉल करें, यही ऑनलाइन काम है, और ऑनलाइन ही आपको कॉल करके आप कह सकते हैं, और वो आपको फॉर्म ऑनलाइन भेजेंगे, वो आप
फिल कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आप उनकी मिन्नत समाई करने के बजाय आपने सिंपली क्या करना है, जाना है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वीडियो की डिस्क्रिप्शन का आपको नहीं पता, दोबारा बता देता हूँ भाई, यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है, ये है टाइटल। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड पेपर्स, तो डाउनलोड बेनजीर इनकम स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन पेपर लिखा होगा। यहाँ पे ब्लू वाले लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके साथ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ये पेपर आपके पास जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका आपने स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये धुंधले हो जाते हैं और यहाँ पे जो है वादे नहीं होता, तो फिर वो आपके रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ आ सकती है। आपने क्या करना है, सिंपली वेबसाइट पर जाना है, वहाँ आपको पीडीएफ फाइल जो है वो मिल जाएगी, वो आपने जाके फोटोशॉप वाले से निकलवा लेने हैं पेपर, इनको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ ऊपर सही इधर जो एड्रेस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो पेपर आप डाउनलोड कर लेंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये है मुकम्मल, यहाँ बेनजीम सेक्रेटेरिएट जो लिखा हुआ है इसके नीचे जो है ये इनका पूरा एड्रेस है और साथ में नंबर वगैरह है। तो ये आपने पूरा एड्रेस लिखकर इस पे भेज देने हैं, उसके बाद ये खुद ही आपको कॉल करेंगे भाई, और इनसे आप जो है आपको कॉल करके आपको इसका कार्ड देंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट का, और इसका थंब वेरिफिकेशन कर देंगे। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको मंथली जो इमदाद जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है कि आज की जो बेनजीर इनकम सपोर्ट की जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो भाई सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं, आपने यहाँ पे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे प्रेस करके इसको ऑल पे कर देना है, ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, किसी किस्म का मसला है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, कमेंट के साथ साथ मैंने नीचे अपना ईमेल भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं आपकी हर वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने के लिए हाजिर हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।